पहला सवाल, राजभर को बीजेपी क्यों हराना चाहती है? दूसरा सवाल, राजभर बीजेपी के साथ क्यों नहीं गए? तीसरा सवाल, क्या सच में राजभर चुनाव हार जाएंगे? यूपी का जिला है गाजीपुर। गाजीपुर का इतिहास हमेशा क्रांतिकारी रहा है। गाजीपुर ने वीर योद्धा भारत की शान वीर अब्दुल हामिद को भी दिया है। तो गाजीपुर की इस मिट्टी पर भारत का सबसे बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी का भी जन्म हुआ है। इसी गाजीपुर में 2022 चुनाव की सबसे दिलचस्प कहानी भी है। यहाँ योगी की इज्जत दांव पर है, तो ओम प्रकाश राजभर के अभियान पर भी सवाल है। ऐसा कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर 2022 चुनाव में अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। ओम प्रकाश राजभर का सपना है योगी को हटाकर अखिलेश यादव को सीएम बनाना, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की खुद की जीत कांटों भरी हो गई है। क्षेत्र में चर्चा है कि मायावती और बीजेपी ने मिलकर राजभर को हराने की प्लानिंग कर ली है। कुछ सालों की सियासत में राजभर की कामयाबी ये है कि उन्होंने योगी और मायावती जैसे ताकतवर दुश्मन बना लिए हैं, तो उनकी असफलता है कि वो एक जाति से बाहर निकलकर सियासत नहीं कर पाए। अब सवाल उठता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट हार रहे हैं? हम आपको अगले एक मिनट में समझाते हैं। जहूराबाद की सीट पर दलित और पिछड़ों की संख्या ज्यादा है, यहाँ विकास कम है, लेकिन सियासत की जानकारी हर बच्चा रखता है। राजभर मुस्लिम और दलित वोट जिसको मिलता है वो विधायक बनता है। इस बार की कहानी थोड़ी अलग है। जहूराबाद विधानसभा में पिछड़ा, दलित, मुसलमान और राजभर तय करते हैं विधायक कौन होगा। राजभर बहुल सीट है, इसलिए राजभर यहां से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस बार वो बुरी तरह फंस गए। मायावती ने मंत्री रह चुकी शादाब फातिमा को मैदान में उतारा है, जिनकी हिंदू मुस्लिम में पकड़ है। बीजेपी ने कालीचरण राजभर को टिकट दिया है, दो बार विधायक रह चुके हैं और वो बहुत बड़े नेता हैं। जबकि ओम प्रकाश राजभर वहां से वर्तमान विधायक हैं और सपा गठबंधन से 22 के उम्मीदवार भी। अब इन सब के अलावा ओवैसी भी ओम प्रकाश राजभर से बदला चुकाने के लिए जहूराबाद आ गए हैं। ओवैसी ने शौकत अली को राजभर के सामने उतार दिया और अब सीट बुरी तरह फंस गई। समीकरण साफ इशारा करते हैं कि अगर कोई सपा की लहर नहीं रही तो राजभर तीसरे नंबर पर रहेंगे। राजभर का मुकाबला तीन विरोधियों से है, योगी, मायावती और ओवैसी मिलकर हराने की ठान चुके हैं। 75,000 दलित वोटर हैं, इसलिए बसपा को यहां बड़ा फायदा हो सकता है। ये दलित बहुल सीट है। 67,000 राजभर हैं, जो कालीचरण और ओम प्रकाश राजभर में बढ़ जाएंगे और राजभर यही कमजोर पड़ेंगे। 30,000 मुस्लिम, जबकि 45,000 यादव वोटर हैं, तो 30,000 चौहान और 15,000 ब्राह्मण। अब इस आकलन के बाद आप निष्पक्षता से समझ चुके होंगे कि राजभर की सीट क्यों फंसी है। इसलिए बीजेपी कार्यकर्ता उनके जले पर नमक छिड़क कर उनकी घेराबंदी कर रहे हैं। यूपी में जातिगत आधार ही विधायक तय करता है। इसका एक उदाहरण साफ है, आजमगढ़ यादव बहुल है। बीजेपी 2017 में बंपर जीत हासिल कर गई थी, लेकिन आजमगढ़ में सिर्फ एक सीट जीत पाई। वो इसलिए क्योंकि जातिगत समीकरण बीजेपी के हिसाब से नहीं बन पाए। गाजीपुर में बड़े से बड़े नेता चुनाव हार जाते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी 33,000 से लोकसभा चुनाव तब हार गए थे जब देश में मोदी की लहर थी और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की जीत हुई थी। इसलिए राजभर का क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। खबर कैसी लगी, कोई शिकायत हो तो कमेंट करके बताएं। खबर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।